सबसे पहले दरवाजा लगाने का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, उसके बाद जयमाला जो मुख्य स्टेज बना है उसके बगल में कराएगा। यानी जयमाला उस तरफ होगा, उसके बाद सभी लोग को जिस प्रकार से गांव में जो मिथिलांचल की परंपरा है उसी परंपरा के अनुसार सारा चीज होगा। इस वक्त हम हुसैनीपुर मरीचा पंचायत मोरवा में, यहाँ पे जो है 31 कन्या से भाई 35 कन्याओं का सामूहिक विवाह होने जा रहा है और बहुत सारे जगहों पे जो है अलग अलग चर्चाएं होती है और कैसे कैसे शादियां होती है, लेकिन यहाँ पे किस प्रकार से हो रहा है आप देखेंगे। मंडप भी बन चुका है और यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम बता देंगे, शुभ नाम सियाराम झा पंडित जी हैं जी। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है शादी में पंडित जी का, तो पंडित जी सबसे पहले हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, ठीक है। और हाँ बताएंगे यहाँ पे जो है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो भी प्रक्रिया है, क्योंकि मंडप कार्य में भी देखे थे आपको शामिल हुए थे, बहुत अच्छा लगा था नहीं सर? और यहाँ पे जो कैसे कैसे पूरा मंडप बनाया गया है और क्या कुछ होने वाला है सारे चीज को लेकर बताएंगे कुछ जानकारी। मैं हमारे गांव में ओम प्रकाश जी ने इस बात का प्रस्ताव रखा कि हम सामूहिक विवाह कराना चाहते हैं जी। इसमें हम लोगों को बहुत खुशी हुई और हम लोग तहे दिल से इनकी मदद कर रहे हैं जी। यह विवाह जो है बिल्कुल सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ है जी। और इसी के मुताबिक इसका सब कुछ व्यवस्था किया जा रहा है। इसमें 35 कन्याओं का विवाह का पहले 31 था लेकिन अब 35 हो गया। 35 के लिए भी अलग अलग हम लोग मंडप का निर्माण करवाया। यानी जो एक मंडप में है इसमें एक मंडप में दो जोहरे रहेंगे और दो जोहरे की बात करें तो सारा जो है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही शादी विवाह होगा सारा। बिल्कुल एक मंडप पर दो विवाह कराया जाएगा जी। और उसमें बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज 18 मंडप तैयार किया गया है और इसमें एक एक पंडित रहेंगे हर मंडप पर और उसकी दिव्य व्यवस्था हमारी संस्था करेगी जी। यानी बताया जा रहा है कि भाई एक मंडप जो बना हुआ है उसपे जो है दो जोरे रहेंगे और दोनों जोरे का जो है अलग अलग प्रकार से जो भी पंडित रहेंगे यहाँ से। अच्छा कितने पंडित रहेंगे? यहाँ रहेंगे लगभग 20 पंडित रहेंगे। और जयमाला का कार्यक्रम कहाँ? सुनिए, सबसे पहले दरवाजा लगाने का कार्यक्रम प्रारंभ होगा जी। उसके बाद जयमाला जो मुख्य स्टेज बना है उसके बगल में कराया। जयमाला जो मुख्य स्टेज जो बन रहा है वहाँ से कुछ ही दूरी पर, यानी उसके बगल में जस्ट बगल में और कराया जाएगा। और जयमाला के बाद जी और विवाहिक कार्यक्रम, यानी जयमाला उस तरफ होगा, उसके बाद सभी लोग को जिस प्रकार से गांव में जो मिथिलांचल की परंपरा है उसी परंपरा के अनुसार सारा चीज होगा। चलिए ये सब जानकारी देने के लिए स्पेशल थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ ये जानकारी आपको कितना अच्छा लगा और कैसा लगा आप लोग कमेंट करेंगे। और हाँ ये चीज देखने के लिए सबसे पहले लोगों को शेयर करें इस वीडियो को और दोस्तों तक पहुंचाइए कि इससे दृश्य जो कि मिथिलांचल का परंपरा है और मिथिलांचल का जो द्वार कहा जाने वाला समस्तीपुर जिला, यहाँ अगर कुछ कार्यक्रम हो रहा है तो सभी लोगों को देखना बनता है। और आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करेंगे। जय हिंद जय भारत।